प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नेपाल का दौरा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वो कुशीनगर जाएंगे, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन करेंगे क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है ये। और इसी के साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ भी जाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सबसे पहले वो नेपाल जाएंगे, नेपाल का दौरा होगा। यूपी के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की धरती कही जाती है, महापरिनिर्वाण प्रतिमा के दर्शन करेंगे। लेटी हुई प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, एकमात्र प्रतिमा पूरी दुनिया में लेटी हुई यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दर्शन करेंगे और शाम को लखनऊ में योगियों के मंत्रियों को भी गुरु मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर आएंगे और उसके बाद वो राजधानी लखनऊ रात को पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं पूरे शहर में साजो सज्जा का काम शुरू हो चुका है, बड़ा बड़े यहाँ पर पोस्टर होर्डिंग जो है वो लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंसता हुआ चेहरा उसी के साथ उनके स्वागत और अभिनंदन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का सीएम आवास के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। जो रास्ता है वो पूरी दुरुस्त कर दीजिएगा, पूरे चौराहे की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो लगा दिए गए हैं और लाइट से पूरे एरिया को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेके पूरा सीएम आवास तक जगह जगह पर जो है पोस्टर होर्डिंग लगे हैं, उसको सजाया गया। और अब सीएम आवास का जो सामने गेट है उसके अंदर हम आपको तस्वीर दिखा दें कि ये पूरी जो दीवार है इसको सजाने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं। यहां पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो मंत्री हैं उनके साथ भोजन करने का काम यहां पे रात्रि भोज का किया जाएगा। आप देख सकते हैं सुंदर तरीके से यहां पर तस्वीरों को जो है दीवारों पर सजाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में है। दूसरी तरफ चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखा दें कि जो मार्ग प्रकाश विभाग है वो अपना काम कर रहा है और नगर निगम भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार अपने साफ सफाई का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ आएंगे और यहाँ पर उनके आवास पर भोजन करेंगे और चर्चा जरूर इस बात की जाएगी कि 2024 में कैसे तैयारी करनी है और 2024 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर भी जद्दोजहद जारी रहेगी। के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेपाल जाएंगे और नेपाल के बाद वो कुशीनगर आएंगे और कुशीनगर के बाद में वो लखनऊ भी आएंगे जहां पर सीएम योगी के मंत्रियों को गुरु मंत्र दिया जाएगा। 2024 के लिहाज से भी ये मंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। 2014 में पीएम का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पांचवी नेपाल यात्रा होगी। इस दौरान वो लुम्बिनी भी जाएंगे, लुम्बिनी की उनकी ये पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। उनकी इस यात्रा की जानकारी खुद विदेश मंत्रालय ने साझा की है। बता दें कि लुम्बिनी का सीधा रिश्ता भगवान बुद्ध से है। लुम्बिनी के जिस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा करेंगे वो भगवान बुद्ध की मां का ही मंदिर है। भारत और नेपाल के रिश्तों की बात करें तो ये दशकों पुराने हैं और सभी सरकारों ने इन दोनों के रिश्तों को मजबूत करने का ही काम किया है। मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा के निमंत्रण पर नेपाल जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा से पहले नेपाल ने एक बयान जारी कर इसको दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा अपने भारतीय समकक्ष और अतिथि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे। नेपाली विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और देउबा पवित्र माया देवी मंदिर में आयोजित प्रार्थना में हिस्सा लेंगे और लुम्बिनी के मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। दोनों नेता लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की नेपाल की ये पांचवी यात्रा होगी। जुलाई 2021 में पांचवी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर पिछले महीने दिल्ली में थे। यात्रा के दौरान उनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करना था। इस कड़ी में नेपाली पीएम के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर नेपाल जाने का फैसला किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तीन सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमृजेश शुक्ला हमारे साथ में कुशीनगर से जुड़ रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ में नेपाल लुम्बिनी से जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश का रुख करेंगे क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी को नेपाल ही जाना है। ब्रह्म प्रकाश जरा जानकारी दीजिए कि कैसे वहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि नेपाल इससे पहले भी प्रधानमंत्री के दौरे होते रहे हैं, बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है नेपाल से हमारा, और महत्वपूर्ण आज ये है कि जन्मस्थली भी जाएंगे और वहां पर भी पीएम मोदी आज जाएंगे जहां पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला लुम्बिनी दौरा है, हालांकि नेपाल पहले भी चार बार आ चुके हैं। मैं इस वक्त माया देवी जो मंदिर है जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचेंगे उसके बाहर खड़ा हूं। गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर सजाया गया है गेट को। जो आप तस्वीर इस गेट की देख रहे हैं, इसके ठीक कुछ मीटर आगे एक दूसरा गेट बनाया गया है जिससे प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ पर तकरीबन 45 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। साथ में उनके नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा भी होंगे। पूजा के बाद जो पोखरा है उसकी परिक्रमा करेंगे। अशोक का स्तंभ है, वहाँ पर घी का दीपक जलाएंगे, और इसके बाद जो 2014 में जो काम अधूरा रह गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पीपल का वृक्ष लगाया जाना था, लेकिन वो दौरा प्रधानमंत्री का नहीं हो सका था, लिहाजा भारतीय राजदूत ने वो वृक्ष लगाया था, उसी पीपल के पेड़ लगाया था, उसी पेड़ को आज जलाभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माया देवी मंदिर परिसर में। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम है बुद्धा कल्चरल सेंटर के शिलान्यास का, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। और तीसरा कार्यक्रम है इसके बाद जो जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे जो संबोधित करेंगे, जो गैदरिंग होगी उनको। तो तीन कार्यक्रम है, इस बीच में जो दोपहर का लंच का टाइम है उसके पहले दोनों देशों के डेलीगेशन की बातचीत होगी, उसमें कई समझौते होंगे। जी ठीक है, ठीक है, चलिए लौट रहे हैं आपके पास में। कुशीनगर से हमारे साथ में अंबुजेश शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि नेपाल के बाद में उनका कुशीनगर दौरा है। अंबुजेश, किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि जब हम भी कुशीनगर आए थे उस दौरान भी जो वहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े मंदिर है और जो वहां के गुरु हैं उनकी ये मांग थी कि यहां पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां का और विकास होने की जरूरत है, आज वहीं पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेटी हुई जो प्रतिमा है, अब देखना यह है कि वहां से क्या संदेश पीएम मोदी देते हैं। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का मौका बेहद खास है भारत के लिए भी, नेपाल के लिए भी। इत्तेफाक यह है कि इस बार प्रधानमंत्री महात्मा बुद्ध के जन्मस्थान भी जा रहे हैं और महापरिनिर्वाण स्थली भी जा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पे तैयारियों की के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चुस्त किया गया है, लगभग त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है जिसमें कि एसपीजी कमांडो, पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस के लोग शामिल है। इसके अलावा जो है जहां तक मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में पहले से ही यहाँ की मांग रही है कि सभी बौद्ध स्थलों को रेल लाइन से जोड़ा जाए, लुम्बिनी से कुशीनगर और कुशीनगर से सारनाथ, और ये पूरा जो बौद्ध सर्किट है इसको कनेक्टिविटी मजबूत की जाए, तो उसको लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि नेपाल का ये दौरा, जो कि नेपाल में ज्यादा समय देंगे प्रधानमंत्री और कुशीनगर में लगभग 25 से 30 मिनट का उनका दौरा है, तो नेपाल से ही वो घोषणा कर सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना है। इसके अलावा और दूसरी बात यह है कि इस बार के मंदिर में पूजन अर्चन का जो प्रोसेस है पिछली बार से अलग होगा। पिछली बार चूंकि एक बड़ी संख्या थी भंते संप्रदाय की जो लोग अंदर पूजा अर्चना में शामिल थे, इस बार सिर्फ दो लोगों को परमिट किया गया है, सिर्फ दो लोग को परमिशन दिया गया है, जिसके बाद पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे और चीवर दान करेंगे। कुल मिलाकर लगभग 25 मिनट का कुल कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम लुम्बिनी में है जहां से ये बड़ा ऐलान हो सकता है। ये बिल्कुल बड़ी बात है और सही बात है कि जन्मस्थली से लेकर मृत्यु जहां पर हुई भगवान बुद्ध की, वहां तक का सफर पीएम मोदी द्वारा देखा जाएगा भगवान बुद्ध का, और समय समय पर भगवान बुद्ध की दी हुई सीख देते अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते रहे। लौट रहे हैं आपके पास में शुभम हमारे साथ लखनऊ से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, नेपाल और कुशीनगर के दौरे के बाद महत्वपूर्ण दौरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मंत्रियों से भी मिलने वाले हैं और उनको क्या गुरु मंत्र दिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि मंत्रियों की क्लास लगातार सीएम योगी तो लगा ही रहे हैं। सरकार को चाहे पिछले कार्यकाल में हो चाहे इस कार्यकाल में, हर बार समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और सलाह और मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। इस बार भी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्रमवार तरीके से सभी मिलने गए, और अब बारी है मंत्रियों की। उत्तर प्रदेश में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, कुशीनगर का दौरा खत्म होने के बाद लखनऊ पहुंचेंगे, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार के 52 मंत्रियों के साथ ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तमाम अहम बिंदुओं पर
चर्चाएं हो सकती हैं 2024 को लेकर के, खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को इनके विभागों के द्वारा विशेष तौर पर लोगों के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे एक बेहतर तरीके से विभागों की बेहतर तस्वीर जनता तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर के प्रारूप तैयार हो सकता है। आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है, उसे संगठन मंत्री की भी तलाश है, तो ऐसे में इन मंत्रियों के साथ बैठ और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है शुभम, क्योंकि देखिए 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कहते हैं कि दिल्ली का सफर तय करना है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना होगा, यहाँ की सीटों को साधना होगा। और ये पीएम मोदी तो बखूबी समझते ही हैं, जहां से हम ये बुलेटिन दे रहे हैं यहाँ के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।